नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदेना झा और मेरे साथ पवन नारा है। अगले 15 मिनट तक हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 का सफर बिना किसी ब्रेक के। नोटबंदी पर आज से सरकार के नए कदम, बैंक और पोस्ट ऑफिस से 1000 और 500 के पुराने नोट बदलने की लिमिट घटी। आज से 4,500 की जगह एक बार में 2,000 रुपए तक ही बदले जाएंगे पुराने नोट, बार बार करेंसी बदलवाने वालों पर लगेगी लगाम। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट, शादी कार्ड दिखाकर दूल्हा दुल्हन या माँ बाप के अकाउंट से निकाले जा सकेंगे पैसे। आज से देश के 2,500 चुनिंदा पेट्रोल पंप से भी निकाले जा सकेंगे 2,000 रुपए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए निकाले जा सकते हैं पैसे। किसानों को एक हफ्ते में 25,000 रुपए निकालने की छूट, खाद बीज के लिए निकाले जा सकते हैं पैसे। किसान सेविंग अकाउंट या किसान क्रेडिट कार्ड से निकाले जा सकते हैं 25,000 रुपए। मंडी के रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए भी खाते से पैसा निकालने की सीमा बढ़ी, हर हफ्ते 50,000 रुपए अकाउंट से निकाल सकते हैं। फसल बीमा में भी राहत, किस्त अदा करने के लिए मियाद 15 दिन के लिए बढ़ाई गई। अब 24 नवंबर तक टोल फ्री हुए नेशनल हाईवे, नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत को लेकर सरकार का फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दी राहत, ग्रुप सी तक के कर्मचारी 10,000 की सैलरी एडवांस निकाल सकते हैं। नोट बैन पर पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच अहम बैठक, नोट बैन के बाद हालात पर हुई समीक्षा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की कई बैंक प्रमुखों के साथ मीटिंग, मीटिंग के बाद आईसीआईसीआई बैंक की एमडी चंदा कोचर ने कहा एक हफ्ते में हालात होंगे सामान्य। बैंक खातों में जमा होने वाले पैसों पर आरबीआई सख्त, 50,000 से ज्यादा कैश जमा करवाने पर देना होगा पैन कार्ड। 50,000 से ज्यादा के बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और चेक पर भी जरूरी हुआ पैन कार्ड नंबर। करंट और सेविंग अकाउंट पर भी सरकार की नजर, बचत खातों में 2.5 लाख से ज्यादा और करंट अकाउंट में 12 लाख से ज्यादा जमा करने वालों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देने का आदेश। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामे के आसार, विपक्ष ने की नोट बैन पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के सदन में मौजूद रहने की मांग। पीएम के चर्चा में शामिल होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, सरकार तय करेगी बहस के दौरान कौन देगा जवाब। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोट बैन पर ठुकराई विपक्ष की मांग, नोटबंदी के रोल बैक से किया इनकार, कहा कांग्रेस को भी देना चाहिए साथ। नोट बैन को लेकर केंद्र की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अर्जी में देश भर के कोर्ट में नोट बैन के खिलाफ दायर याचिका पर बैन की मांग। दिल्ली के आजादपुर मंडी में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन, दोनों के पोस्टर फाड़े, पोस्टर पर जूते भी बरसाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दायर किया आपराधिक मानहानि का केस। केजरीवाल ने कालेधन मामले पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का लिया था नाम, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया गया मामला। नोट बैन पर नरम हुआ शिवसेना का रुख, उद्धव ठाकरे ने कहा नोट बैन के खिलाफ नहीं है पार्टी, लेकिन लोगों को हो रही दिक्कतों से है परेशानी। नोट बैन को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत। आज दिल्ली से सटे सूरजकुंड में रेल विकास शिविर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, ट्रेन में बेहतर सफर और सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरियाणा, पंजाब के लिंक नहर की जमीन किसानों को वापस देने पर रोक लगाने की मांग, 21 नवंबर को होगी सुनवाई। इस वायल नहर मामले पर हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात, चंडीगढ़ में बुलाएगी सर्वदलीय बैठक। पाकिस्तान ने 9 दिन में 13वीं बार तोड़ा सीज फायर, जम्मू के पल्लनवाला में फायरिंग, विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमीशन को सौंपा नापाक हरकतों का ब्यौरा। मौके खाने के बावजूद खत्म नहीं हुए पाकिस्तान के नापाक मंसूबे, बीते एक हफ्ते में हुई आतंकी घुसपैठ की 18 घटनाएं, सरकार ने जारी किए आंकड़े। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 से 15 नवंबर के बीच पाकिस्तानी सेना ने 12 बार तोड़ा सीज फायर, सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग को दिया विरोध पत्र। पाकिस्तान के हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने की बात की अब तक पुष्टि नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अगर सत्ताज अजीज आएंगे तो किया जाएगा स्वागत। विवादित स्कॉलर जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जाकिर पर धार्मिक समुदाय के बीच नफरत फैलाने और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का आरोप लगा है। शहीद होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि में सरकार ने 2.5 गुना की बढ़ोतरी की है, 25 लाख से लेकर 45 लाख तक मिलेगी मुआवजा राशि। देश में ही विकसित 4 तरह के सोनर यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंज सिस्टम को आज नौसेना में किया जाएगा शामिल। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम का दावा, बैंकों और एटीएम में करीब 50% तक कम हुई भीड़। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश, बैंकों और एटीएम के बाहर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पोस्ट ऑफिस खुलने से पहले ही नोट बदलने के लिए लोगों ने अपनाया अनोखा तरीका, पासबुक रखकर लाइन बनाई। एमपी के पन्ना में लाइन में लगे लोगों के लिए बांटा खाना, गांव के युवकों ने कदम की तारीफ करते हुए लोगों का बढ़ाया हौसला। यूपी के मिर्जापुर में लाइन में लगे लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पिलाई चाय, लोगों ने की कदम की तारीफ।
शादी वाले घर में 2.5 लाख की छूट से आई खुशी, सरकार के फैसले का किया गया स्वागत। शादी के कार्ड से पैसे निकालने के लिए नियम से बैंकों में लगी भीड़, कानपुर में आरबीआई से ऑर्डर न मिलने की वजह से बताकर बैंक वालों ने लोगों को वापस भेजा। दिल्ली में छोटे नोटों की समस्या को खत्म करने के लिए माइक्रो एटीएम का सहारा, कई जगहों पर लगे माइक्रो एटीएम के कार्ड, स्वैप कर निकाले जा सकते हैं पैसे। क्राइम ब्रांच के साथ इनकम टैक्स की दिल्ली में कई इलाकों में रेड, कमीशन लेकर पुराने नोट बदलने वालों के ठिकानों पर हुई छापेमारी। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान के मैनेजर मनु कोहली और राकेश गुप्ता नाम के कारोबारी के दफ्तरों पर भी मारे गए हैं छापे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने नोटबंदी को इकॉनमी में पारदर्शिता की जताई उम्मीद, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के साथ का दिया भरोसा। दिल्ली में नोटबंदी के चलते लोगों ने भरा एमसीडी का बकाया टैक्स, पूरे साल का टैक्स 2 दिनों में किया गया जमा। मुंबई हाईकोर्ट ने ईडी को दिया आदेश, जेल में बंद छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की रिपोर्ट जल्द दाखिल करें। अल्लाह साहब ठाकरे मेमोरियल के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मांगे मुंबई की जनता से सुझाव, एक वेबसाइट पर सुझाव देने की अपील। एक दिन की न्यायिक हिरासत में पहुंचे शीला दीक्षित के दामाद, चोरी और पत्नी की संपत्ति के गबन का आरोप। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद मामले में ऑटो ड्राइवर का बयान, जामिया मिलिया में अकेले ऑटो से उतरा था नजीब। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी ब्रिज के कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने पर मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया है, अब तक कई कर्मचारियों को खोनी पड़ी है नौकरी। रामगोपाल यादव की समाजवादी पार्टी में हुई वापसी, मुलायम सिंह यादव ने रद्द किए 6 साल के सस्पेंशन, सभी पदों पर बने रहेंगे रामगोपाल यादव। हाल ही में विवाद के बाद समाजवादी पार्टी से निकाले गए थे रामगोपाल यादव, रामगोपाल यादव को वापस मिलेंगे सभी पद। पार्टी में वापसी पर रामगोपाल यादव ने कहा कि मैं घर में पहले से ही था, शिवपाल से भी कोई मनमुटाव नहीं है। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल की वापसी को शिवपाल ने किया स्वीकार, कहा फैसला न मानने की कोई वजह नहीं। रामगोपाल की एसपी में वापसी पर खुश हुए अमर सिंह, मुलायम को बताया समाजवादी पार्टी का खुदा, कहा जिसे अल्लाह रखे उसको कौन कुछ कहेगा। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी के परिवर्तन रैली, अमित शाह ने साधा एसपी और बीएसपी पर निशाना, कहा जब से केंद्र ने बड़े नोट किए बंद बहन जी के चेहरे का उड़ गया है रंग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सुषमा स्वराज की सेहत में सुधार के लिए मांगी गई दुआएं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बढ़ाई मजार पर चादर। यूपी में फिर देखी नेताओं की गुंडागर्दी, संभल कर सरकार ने मंत्री ने नोट निकलवाने के लिए रात में ही खुलवाया बैंक। कानपुर में 1.5 महीने की बच्ची को बिल्ली ने नोच कर मारा, आंगन में सोने के दौरान बिल्ली ने किया बच्ची पर हमला। यूपी के कन्नौज में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। इस वायल मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात, कैप्टन अमरिंदर का बयान, पंजाब से पानी छीना तो गंभीर होंगे हालात। पंजाब कांग्रेस के नेताओं की राष्ट्रपति से हुई मुलाकात पर अकाली सरकार ने दर्ज करवाई आपत्ति, राष्ट्रपति से पहले मुलाकात का वक्त नहीं देने पर आपत्ति। चंडीगढ़ में छोटे नोट को लेकर लोगों को बड़ी राहत, शहर में लगाए गए 2 लाख माइक्रो एटीएम। इलेक्शन कमीशन के दर पर पहुंची पंजाब कांग्रेस, वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ की कोशिशों का लगाया आरोप। हरियाणा के पानीपत में एक शहीद में शादी में दूल्हा बदलने को लेकर मचा हंगामा, पंजाब के लुधियाना से आई थी बारात। हरियाणा के हिसार में कम नहीं हो रहा है डेंगू और चिकनगुनिया का कहर, नवंबर महीने में अब तक आए 150 से ज्यादा मरीज। दिल्ली के मुड़का इलाके में स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग, की चपेट में आए 150 गोदाम, मौके पर फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आग के हवाले, 2 सरकारी इमारतें, पुलवामा में भी पंचायत भवन और गांधरबल में सरकारी स्कूल में लगाई गई आग। कश्मीर में 132 दिन बाद शुरू हुई रेल सेवा, घाटी में हिंसा और तनाव की वजह से ठप पड़ी हुई थी रेल की सेवाएं। स्ट्रेचर न मिलने पर बीमार पति को घसीटकर अस्पताल ले गई महिला, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की घटना, सरकार ने दिए जांच के आदेश। नागपुर के जयताल में 4th क्लास में पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे ने की खुदकुशी, स्कूल भेजने पर था घर वालों से नाराज। झारखंड के साहिबगंज में अवैध वसूली करते पकड़े गए 12 पुलिस वाले, आरोपी पुलिस वालों को एसपी ने किया सस्पेंड। झारखंड के पाकुड़ जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को गांव वालों ने बनाया बंधक, झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई करने की के लिए गई हुई थी। बिहार शरीफ में महिलाओं ने लगाया डाकघर के कर्मचारियों पर रिश्वत लेकर पुराने नोट बदलने का आरोप, सड़क को जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु रामेश्वरम के पास समुद्र में मछली पकड़ने गए 2 भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका नेवी ने की फायरिंग, फायरिंग में 2 मछुआरों को लगी गोली। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अवैध संबंधों को लेकर पत्नी का मर्डर, बैग में डालकर गंदे नाले में बहाई डेड बॉडी। यूपी के शामली में दहेज के लिए महिला डॉक्टर का मर्डर, बहन के ससुराल पहुंचने पर भाइयों के साथ मारपीट। यूपी के प्रतापगढ़ में बारात निकालते वक्त पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग, फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। यूपी के फतेहपुर में गर्भवती रेप पीड़ित को गंगा में डुबाकर मारने की कोशिश, पीड़ित के पिता ने की मारने की कोशिश। एमपी के बैतूल में नाबालिग लड़की का रेप के बाद मर्डर, वारदात के वक्त घर से बाहर थे घर वाले। बिहार के दानापुर में रंगदारी नहीं देने पर पीडब्ल्यूडी के विभाग के इंजीनियर पर बदमाशों ने की फायरिंग, 20 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी। टीसीएस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद अब साइरस मिस्त्री की डायरेक्टर पद से भी होगी छुट्टी, 13 दिसंबर को होने वाली टाटा सन्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में होगा फैसला।
मीट कारोबारी मनी कुरेशी की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा और एसपी सिंह शक के दायरे में। ईडी की जांच रिपोर्ट पर सीबीआई ले रही है कानूनी सलाह। ब्याज दर दिखने लगा है नोट बैन का असर। भारी मात्रा में बैंकों में हुई नकदी जमा। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और एसबीआई ने घटाई ब्याज दरें। चीन में लोगों ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए निकाला नया फॉर्मूला। बोरियत से बचने के लिए सड़क पर शुरू किया डांस। ग्रीस में 1973 की क्रांति रैली की 43वीं सालगिरह पर निकाली गई रैली। रैली में हुई हिंसक झड़पें। इराक के मुसलमान आइसिस के एक आत्मघाती कार बम धमाके में 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। पेरिस में एक्टर मलिका शेरावत के साथ मारपीट। अपार्टमेंट में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने की मारपीट और टियर गैस से भी हमला किया गया। मॉरिशस में सनी लियोनी के साथ अरबाज खान की मस्ती फिल्म 13 इंतजार की शूटिंग के दौरान समुद्र किनारे मस्ती। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर जल्द करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू। करण जौहर की हिंदी रीमेक फिल्म सैराट से डेब्यू करेंगी जाह्नवी।